जय श्री कृष्ण दोस्तों। मंत्रों में सिर्फ एक ही मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और वह है ओम नमः शिवाय। जानिए क्या है इस मंत्र का राज। आज हम आपको महामंत्र ओम नमः शिवाय की चमत्कारी परिस्थितियों से परिचित कराने जा रहे हैं। आज आप जान जाएंगे कि इस जप का निरंतर जाप करने से आपको दुनिया का हर सुख प्राप्त हो सकता है और अंत में मोक्ष भी। भगवान शिव के वाक्य हैं कि जो भी भक्त इस जप का निरंतर चिंतन करता रहता है, उसे मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रदान करता हूँ। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस महामंत्र के बारे में। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब उनके पांच मुख थे, जिन्हें वो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई, वह शब्द था ओम। बाकी पांच शब्द नमः शिवाय की उनके पांचों मुखों से उत्पत्ति हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है। इसी से आ, ई, उ, री, रू, इन्हीं पांच मूलभूत स्वर तथा व्यंजन, जो पांच वर्णों से पांच वर्ग वाले हैं, वे प्रकट हुए। त्रिपता गायत्री की उत्पत्ति भी इसी शुभ मंत्र से हुई। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति हुई। इस मंत्र के जाप से सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले की समस्त व्याधियों को शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जाप करने वाले के पास भी नहीं आती। और यमराज ने अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि इस मंत्र का जाप करने वाले के पास कभी न जाना, उसको मृत्यु नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंत्र शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है। जिसके मन में यह मंत्र लगातार रहता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव हर एक मनुष्य के अंतःकरण में स्थित है। नमो शिवाय पंच तत्र मंत्र है। इसे शिव जाप श्री मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र के जाप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के पहले ओम लगाकर ही सदा इसका जाप करना चाहिए। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। हमेशा सब पर कृपा करने वाले भगवान शिव का बारंबार स्मरण करते हुए पूर्व दिशा में अपने मुंह को रखकर इस मंत्र का जाप करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त जितना जितना भगवान शिव के मंत्र का जाप कर लेता है, उतनी ही उसके अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है और वह अपने अंतःकरण में स्थित और विराजमान भगवान शिव के और करीब हो जाता है। उसके दुख, रोग, दरिद्रता और दुश्मन के द्वारा दी गई पीड़ाओं का अंत हो जाता है एवं उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शिव का पूजन लिंग स्वरूप में ही सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। शिव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, किंतु लिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ब्रह्म रूप में होने के कारण निष्कल अर्थात निरंकार कहे गए हैं और रूपवान होने के कारण सकल कहलाए, परंतु वह परम ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप से पहले आए और समस्त देवताओं में एकमात्र वे ही परम ब्रह्म हैं। इसलिए केवल वे ही निरंकार लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।